May Allah's guidance be with all of you during the exam, and may you be able to answer each and every question correctly. Ameen. My prayers and blessings are with all of you. Allah Pak tum sabko achhe grade se kamyab kare. Ameen. Aur tum sabka maths ka paper tumhari expectations se zyada achha ho. Ameen. Assalamu alaikum student. I know you all are very busy. Sorry for disturbing you at this time. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो तुम लोग के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि अपनी सजेशंस जो हैं वो तुम तक पहुँचा दूँ. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द टिप्स एंड द सजेशंस, एडवाइसेस भी बोल सकते हो तुम इनको. तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप. सबसे पहले तो ये चीज़ इंश्योर करो कि तुम्हारे पास जो कल का सामान है उसमें ज्योमेट्री बॉक्स है, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है लोसाए और स्केल ड्राॅइंग्स का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए हमें ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास जो है वो कंपास हो, तुम्हारे पास डी हो, पेंसिल हो, स्केल हो, रबर हो, बॉल पेन और पॉइंटर्स वगैरह हो. मैथ्स का पेपर पेंसिल से सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ड्राइंग्स जो हैं वो आप पेंसिल से करोगे. जैसे शेडिंग हो गई वो आप पेंसिल से कर लेना. और आपके पास ये जो ड्राइंग का क्वेश्चन आता है, ग्राफ का हो गया जैसे, या ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, या लोसाई का हो गया, तो वो सब आप पेंसिल से करोगे. इसके अलावा पूरी वर्किंग आप जो है वो पेन से करोगे. पेंसिल से पेपर स्टार्ट नहीं करना, डायरेक्ट पेन से स्टार्ट करना, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है. ठीक है, तो कम से कम जो है वो टाइम को हमें वेस्ट करना है और रिलैक्स रहना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ड्यूरिंग द पेपर रिलैक्स रहो, काम रहो. और मैं तुम लोग को जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, वो अपने जहन में रखना है, इंशाल्लाह उसको फॉलो करना. अल्लाह पाक तुम सबको कामयाब करे. सबसे पहले तो ज्योमेट्री बॉक्स की बात हो गई. ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ रख लो. उसके बाद कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो उसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है. स्मार्ट वॉचेस नहीं होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होने चाहिए. डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास सारे कंप्लीट होने चाहिए. डॉक्यूमेंट्स में एक एडिशनल चीज़ होगी, क्लैश लेटर. बायो और मैथ्स का जो क्लैश है उसके लिए बायो के स्टूडेंट्स को क्लैश लेटर्स मिले तो वो लेके जाना अपने साथ. ठीक है, वाटर बॉटल अपने साथ रखना ताकि ये कि तुम हाइड्रेटेड रहो. और जैसी तुम लोग को परेशानी होती है, थोड़ा सा तुम ऐसा लगता है कि यार अब पैनिक हो रहा है, तो बस थोड़ा सा रिलैक्स किया, पानी की बोतल खोली, थोड़ा सा पानी पिया, रिलैक्स किया, डीप ब्रेथ्स ली. ठीक है ना, तो इस तरह अपने आप को जो है ना रिलैक्स रखना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. जितना सुकून से आप पेपर करोगे पेपर उतना ही अच्छा होगा. अगर आप परेशान होगे, पैनिक होगे, आप कटिंग करोगे, आपका पेपर जो है ना वो ख़राब से ख़राब होता जाएगा. आपको जो चीज़ें आती होंगी आप वो भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो वाटर बॉटल अपने साथ रख लो. ठीक है, थोड़ा सा टाइम रह गया, जो रिवीजन कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको फिनिश करो. ठीक है ना, और थोड़ा हिम्मत से काम लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करो, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो. तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है, अल्लाह पे भरोसा रखो भाई. इतनी मेहनत तुम लोगों ने जितनी की है ना, इसका तुम्हें ज़रूर भरपूर सिला मिलेगा. और अल्लाह से मतलब उम्मीद और अल्लाह पे ईमान होना चाहिए आपका कि भाई इंशाल्लाह कल का पेपर हमारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है. अपने पेरेंट्स से दुआएं लेके जाना. ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करो कि भाई अभी थोड़ा सा आराम कर लो. ठीक है, फजर के टाइम से पहले उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ो. तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ करो, इंशाल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी. ठीक है, उसके बाद अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना कि वो भी तुम्हारे लिए दुआ करें. घर से जब निकलो तो लाजमी सदका करके निकलो. ठीक है, क्योंकि जब आप ये सारे काम करते हो ना, तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है. और फिर डेफिनेटली जब अल्लाह ताला खुश होंगे तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे. और अल्लाह ताला की मदद ही चाहिए भाई. हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर लें, अगर अल्लाह की मदद और अल्लाह की रज़ा नहीं है, तो फिर हम जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते. यही हमारा ईमान है. ठीक है, तो ये सारे काम करते हुए जो है वो घर से निकलना. पेरेंट्स लाजमी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे होंगे, सब परेशान होंगे, लेकिन तुम अपने एटीट्यूड से जो है ना उनको कॉन्फिडेंस दिलाना कि भाई परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा. और अपने इसी एटीट्यूड को जो है ना वो आखिर वक्त तक जो है ना तुम्हें मेंटेन करना है. इट डजेंट मैटर तुम्हारे सामने कैसा पेपर आए, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम किसी भी तरह का पेपर सॉल्व कर लो. देखो, किसी भी तरह का पेपर मतलब कॉन्सेप्ट तो वो चेंज नहीं कर देगा ना, कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं ना. थोड़ा सा सुकून से बैठ के सोचो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है, बाकी पास पेपर प्रैक्टिस आपने की है, इंशाल्लाह जिस तरह की आपने प्रैक्टिस की है बिल्कुल उसी तरह के सवाल आएंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो पेपर सॉल्व करोगे. पेपर आपका 2 घंटे का है, 120 मिनट्स का है, तो मेरे हिसाब से 120 मिनट्स को तुम डिवाइड करोगे 20 और 100 में,
ये जो 20 मिनट्स मैंने रखे ना, इसमें शुरू के 8 मिनट हैं और आखिर के 12 मिनट हैं। शुरू के 8 मिनट में तुम दो काम करोगे, ठीक है? वो क्या कि तुम सबसे पहले अपना पेपर 2 बार पढ़ोगे। पहली बार जब तुम पेपर अपना रीड आउट करोगे ना, तो तुम सिर्फ ये देखोगे कि कौन से टॉपिक के सवाल आए, ठीक है? आपने आपके सामने उसने उन्होंने लाके पेपर रखा और उन्होंने कहा कि भाई आप स्टार्ट कर सकते हो अपना पेपर। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, पेपर खोला और क्वेश्चंस को देखा कि भाई कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। पहली बारी में आप ये काम करोगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप जब पेपर दोबारा रीड करना शुरू करोगे, तो अपने हाथ में पेंसिल रखोगे और वो वाले क्वेश्चंस मार्क करोगे जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? तो ये काम तुम्हें 8 मिनट में करना है। इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी मार्क कर लेना जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं, जो तुम आखिर में अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना? तो ये 8 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगा। तुम 8 मिनट में 2 बार रीड करोगे पेपर। पहली बार तुम ये देखोगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक के सवाल आए, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तुम देखोगे अच्छा यार ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लोसाई भी है, तो ये मैं कर लूंगा, ये भी मुझसे हो जाएगा। पहली बारी में जो है वो आप जब सारे टॉपिक्स देखते हुए जाते हो ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा ये सारे टॉपिक तो मैंने किए हुए। हो सकता है कुछ आपको मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएं जो आपने सॉल्व किए हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम तुम पेंसिल उठाओगे और थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पढ़ोगे और मार्कआउट करोगे कि मुझे कौन कौन से जो है ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पहली बारी में, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं आखिर में अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जो है ये 8 मिनट पूरे हो जाएंगे। 8 मिनट के बाद आप जो है वो अपना पेपर स्टार्ट करोगे। आपके पास 100 मिनट्स हैं, ठीक है? आपके पास 100 मिनट्स हैं। उस 100 मिनट्स में आपको अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तकरीबन 4 मिनट का टाइम है। अब उस 4 मिनट में अगर उसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो फिर हर पार्ट का एक एक मिनट हो गया। अगर उसके ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो फिर इसी तरह जो है वो टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो बस ये याद रखना कि 4 मिनट से ज़्यादा जो है ना वो किसी क्वेश्चन पर खर्च नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि यार 4 मिनट से ज़्यादा हो गए, 4 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं मैंने इस क्वेश्चन पर, मुझसे नहीं हो रहा, तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? तो इस तरह करके चलोगे ना, तो आपको आखिर में 12 मिनट मिलेंगे। ये 12 मिनट मैंने जो रखे हैं ना, ये चेकिंग के लिए रखे हैं। अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट है, अभी भी है वो, तो उसकी पता है क्या आदत है, वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेती है पहले, उसके बाद पेंसिल से ना पूरा पेपर चेक कर दिया और अपने आप को मार्क्स देती है, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम इस तरह नहीं करना, मार्क्स नहीं देना, अपने जहन में रखना कि हाँ यार ये सवाल सही हो गया तो मेरे 2 नंबर आ गए, और ये भी सही हो गया तो 4 नंबर आ गए। तो इस तरह चेकिंग करने में ही तुम अपनी काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो है ना वो पकड़ लोगे। नॉर्मल चेकिंग में जो है ना वो फिर तुम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलते हैं यार ये तो हमने ही सॉल्व किया, गलती नहीं होगी। तो पहले तुमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, अगर तुमने 4 4 मिनट के हिसाब से किया, तो 12 मिनट तुम्हारे पास बचेंगे। और 12 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है? तुम उसमें अपना पूरा पेपर जो है ना रफली चेक कर सकते हो। कम अज़ कम इतना कर सकते हो कि तुम जो है वो 50 60 मार्क्स का पेपर तुमने चेक कर लिया, ताकि तुम्हें इतनी उम्मीद हो गई कि यार मेरे 60 मार्क्स तो आ रहे हैं, तो 60 मार्क्स से ज़्यादा ही आएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह एक तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है? तो ये वाला काम जो है वो लाजमी कर लेना, और बीच बीच में आपको पता है ब्रेक्स जो है वो लेते रहना। ब्रेक का मतलब ये कि सीट से उठ के नहीं खड़े हो जाना है, मतलब आपने जैसे आपको वो मतलब जो प्रोटोकॉल है जिस तरह आप फॉलो करते हो, आपने जो है वो अपना पेपर रखा, पेन रखा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करी अगर अलाव है तो, और थोड़ा पानी पिया, उसके बाद फिर आप दोबारा जो है वो मतलब स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेचिंग का मतलब ये नहीं है कि सीट से उठ के खड़े हो गए और इधर उधर देखने लग गए, मतलब थोड़ा सा नेक को आगे पीछे कर लिया, थोड़ा सा हेड डाउन, हाँ हाँ जो है सर को नीचे कर लिया, थोड़ा सा डीप ब्रेथ्स ले ली, और इस तरह करके जो है वो तुम्हें अपना पेपर कंप्लीट करना है। अभी तुम लोगों ने जो है वो पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन सॉरी फुल लेंथ पास पेपर सॉल्व किए हैं, तो तुम लोग को आइडिया होगा कि तुम लोग माशाल्लाह काफ़ी जल्दी जो है वो एक एक घंटे में 80 मिनट्स में जो है वो पेपर सॉल्व कर लेते थे। तो वहाँ भी बिल्कुल जो है ना इसी तरह अपना मतलब अपने माइंड में यही चीज़ रखना कि यार मैं बिल्कुल जो है वो नॉर्मल डे है और मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? सराउंडिंग्स का प्रेशर आपको लेना नहीं है, अपने काम से काम रखना है और पेपर पे बिल्कुल फोकस है। पेंसिल से नहीं करना भाई, पेंसिल से करोगे फिर उस पर पेन यूज़ करोगे, इससे टाइम ज़ाया होता है। तो कॉन्फिडेंटली आप अपने पेन से काम करो, कॉलम्स बना लो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो कॉलम्स बना लो, ताकि अगर गलत भी होता है तो काट के फिर आपके पास जगह हो दूसरा क्वेश्चन सॉरी दूसरा सॉल्यूशन उसका करने के लिए, ठीक है? और फ्लूइड वगैरह तो यूज़ नहीं करते, वो चीज़ आपको पता ही है। अच्छा, बाकी लास्ट मिनट रिविजन्स में ये देख लेना कि भाई फार्मूला शीट तुम्हारे पास है, वो सारे फार्मूलाज रिवाइज कर लेना एक बार। की पॉइंट्स जो है वो अपने जहन में रखना, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के की पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है? लोसाई में तुम्हें पता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, तो ये जो है ना अपने माइंड में
जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हो तो ये अपने माइंड में रिवाइज करते रहो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है, और फिर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के की पॉइंट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज क्या हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज क्या हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेरीमीटर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपने जहन में रखना। कन्वर्जन तुम्हें आनी चाहिए मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल लास्ट मिनट रिविजन है, ये लास्ट मिनट रिविजन है। ये जब आप सेंटर आ रहे होगे तो अपने माइंड में ये सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज करते हुए आना। आई होप तुम लोगों ने अपने नोट्स भी बनाए हुए होंगे, तो नोट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा कोई चीज़ अगर तुम लोग को पूछनी हो तो डेफिनेटली मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व करो, कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करो, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, तुम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तुम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो तुम जो ग्रेड एट से करते हुए आ रहे हो, तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है तो उसका मसला नहीं है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, थोड़ा सा सुकून से जो है वो सोचो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के सोचो, थोड़ी सी दुआएं जो तुम्हें याद हैं वो पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुमसे मतलब अल्लाह ताला तुम्हारे जहन में वो चीज़ डाल देंगे, ठीक है। देखो भरोसा रखो, जैसे ही आप अल्लाह से उम्मीद रखते हो ना आपको बिल्कुल वैसे ही मिलता है। तो इसी इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक तुम सबका पेपर बहुत अच्छा करेंगे, इस वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि अगर कल मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर तुम लोग से मिलने आऊँ सुबह, और जब मैं आऊँगा मिलने इंशाल्लाह तो तुम लोग अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो सो जाओ और उठ के ज़रूर नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, अच्छा सा नाश्ता करो, वालदैन से दुआएं लो, और इस उम्मीद के साथ अपने घर से निकलो कि इंशाल्लाह मैथ्स का पेपर A1 होने वाला है इंशाल्लाह।